शुक्र गुजार हूँ हमारे सुरेंद्र निजामी साहब का, और आप सब लोगों को मैं तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बस कुछ अशार आप लोग की मुशायरी की महफिल में कुछ अशार कहना चाहता हूँ। 1999-2000 में मैंने एक शेर बनाई थी, बनाया था छोटा सा शेर, किसी हुस्न वाले को देखकर आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं बिल्कुल बैंगलोर से हूँ और आरती नगर से हूँ, रहमत नगर। तो हमारी जुबान शुरू हो जाएगी जी सर, वो हमें उर्दू जुबान का। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल बनाया था। तुझको देखी थी जब निगाहें, तो दिल मचला था मेरा, ये दुआ मांगा था रब से, बना दे हम सफर तेरा। वाह क्या बात है, क्या बात है। और उसका बना देना, उसी हुस्न वाले के इसमें बनाया था जी। बहुत दुबई शहर में एक बार मैं अपनी कार में बैठा हुआ था, तो एक गाना चल रहा था, ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं। तो उस वक्त पर एक दिल्ली वाले ने मेरे को स्टोरी सुनाई कि ऊंच नीच की वजह से जो है एक लड़के बहुत पैसे वाले की, लड़का एक एजुकेटेड था लेकिन कम पैसे वाला था, तो रिश्ता टूट गया, मनाने से भी नहीं मान पाए। अच्छा, तो एक बहुत बड़ी दास्तान थी वो, 2000 पूरे मैंने सुना था। तो उसी वक्त जब वो रिश्ता टूटा तो वो मैं पूरा बताना नहीं चाहता, अशा में बता दूंगा। तो मैंने उसी वक्त पर एक शेर बना दी थी, लड़की की शादी किसी और से हो गई जी, यानी कि वो लड़का पोर्ट से कूद कर मर गया और उसकी उस लड़की की शादी किसी और से हो गई, जिस दिन शादी हुई उस दिन वो मर गया जी। तो क्या तो उसमें जो है मैंने उस वक्त पर फैशन ऑफ सेकंड्स से एक शेर डिलीवरी की थी जी, कहीं बज रही थी शहनाई, अरे कहीं बज रही थी शहनाई, कहीं आशिक का जनाजा जा रहा है, जो जिंदगी थी उसकी उसको कोई और ले जा रहा है। समाजपुर में ये जो उसके दोस्त लोग भी जाकर उससे पूछने लगे कि रिश्ता दे तो लड़का बहुत अच्छा है लेकिन पैसे वाला तो नहीं, पैसे वाला बन जाएगा, तो नहीं हो पाया। बात इतनी सी थी कि कुछ भी नहीं हमसे ना समझी, लात समझाना चाहा, भूल बैठे थे हम अपनी असलियत को, जर्रे से चाल को अपनाना चाहा, न था इल्म हमें, न था इल्म हमें जमाने के दस्तूरों का, दिल में प्यार का बाग सजाना चाहा। ढूंढती है आज की निगाहें उस सितंगर को, दिल भूल ना पाया जिसको, लात अपनाना चाहा। लपे ना आई हसी लाख मुस्कुराना चाहा, लपे ना आई हसी लाख मुस्कुराना। और एक उसमें एक अशार है, ऐ काश ऐ जिंदगी तू ही रूठ जाती हमसे, क्योंकि रूठे हुए लोग हमसे मनाए नहीं जाते। कोशिशों के बावजूद हमसे छुपाए नहीं जाते। बात आए भी तो मैयत पर मेरी ये कहने, तेरी यादों के चिराग हमसे जलाए नहीं जाते। दो मिनट हो गए, मैं बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ। आखिरी अल्फाज में, आखिरी क्या पहले अल्फाज है जी, जो हम सब लोग यहाँ पर जो बैठे हुए, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबका है, तो उसमें मेरे वालिद मोहतरम के दो अशआर बोलकर मैं अपनी जगह ले लेता हूँ जी। अच्छा, तो ये तो सबके अल्फाज है, न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बागे चमन का माली ना होता, ये सफर मेरे कमली वाले का सबका, मोहम्मद ना होते खुशी ना होती। सुभान अल्लाह, क्या कहने जी, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।